नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्ट्रक्टर, जो कि किसके अंदर आता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी प्रोवाइड करता है, उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज़ होता है, इसलिए इसे डिस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। तो डिस्ट्रक्टर इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उनकी मेमोरी को डी एलोकेट करना यानी डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज़ होता है। अब डिस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ डिस्ट्रॉयड, ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है सेम एज कंस्ट्रक्टर, लेकिन कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है। डिस्ट्रक्टर इज़ ऑल्सो ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, ये भी कंस्ट्रक्टर की तरह एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर इज़ सेम एज क्लास नेम, जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता था क्लास नेम की तरह, यहाँ पर भी डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है क्लास नेम की तरह। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, टिल्ड साइन होती है इस टाइप से, अगर किसी क्लास नेम के आगे मतलब डिस्ट्रक्टर के आगे क्या होती है, ये वाली साइन लगी होती है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में। अगर सिंपल रेक्टेंगल लिखा है तो ये कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्टर बना। अगर अगर हमने आगे टिल्ड साइन लगा दी फंक्शन के कंस्ट्रक्टर के जैसे, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसमें से कंस्ट्रक्टर कौन सा है जिसमें टिल्ड साइन नहीं है, और डिस्ट्रक्टर कौन सा है जिसमें टिल्ड साइन है। नेक्स्ट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। अ डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कंस्ट्रक्टर में हम वन आर्ग्यूमेंट दे सकते थे, टू आर्ग्यूमेंट दे सकते थे, रेफरेंस आर्ग्यूमेंट हो सकता था, यहाँ डिस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, जो डिस्ट्रक्टर के साथ ब्रैकेट होगा वो हमेशा एम्प्टी होगा। अ डिस्ट्रक्टर विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, जैसे कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता था, हम वॉइड भी नहीं लिखते थे, तो डिस्ट्रक्टर भी वैसा ही होता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, हम उसके आगे वॉइड भी नहीं लिखते हैं। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, हम डिस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, एक नाम के मल्टीपल डिस्ट्रक्टर्स नहीं बना सकते, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट देता ही नहीं है, जबकि कंस्ट्रक्टर क्या हो सकते हैं, ओवरलोड हो सकते हैं। डिस्ट्रक्टर्स कैन बी मेड वर्चुअल, डिस्ट्रक्टर्स को हम वर्चुअल बना सकते हैं, जो हम आगे टॉपिक देखेंगे वर्चुअल, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स जो है हम उसे वर्चुअल नहीं बना सकते हैं। अ डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लोकल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन दे गो आउट ऑफ स्कोप, लोकल ऑब्जेक्ट्स कब डिस्ट्रॉय होते हैं, जब अपने स्कोप से वो बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो ये एक ब्लॉक है, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया आर वन, तो ये कौन क्रिएट करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने इसको मेमोरी एलोकेट कर दी 4 bytes की, तो जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये एक लोकल ऑब्जेक्ट है इस ब्लॉक के अंदर है, तो ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, लोकल ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही इसका स्कोप खत्म हो जाएगा, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी इसको जो 4 bytes की मेमोरी दी गई थी वो वापस ले ली जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से लोकल ऑब्जेक्ट्स कब डिस्ट्रॉय होते हैं, जब अपने आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं, यानी जब कर्ली ब्रैकेट क्लोज आ जाता है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द प्रोग्राम एंड्स, जब प्रोग्राम एंड होता है तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रक्टर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया आर वन, एक मेन फंक्शन के अंदर एक आर वन ऑब्जेक्ट बनाया है, एक आर टू ऑब्जेक्ट बनाया है। अब आर टू इस ब्लॉक के अंदर है, यानी ये लोकल है, ठीक है, तो लोकल ऑब्जेक्ट है, तो ये जैसे ही इसका स्कोप क्लोज हुआ, मतलब कर्ली ब्रैकेट क्लोज आ गया, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और क्या होगा, जब ये पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, जब ये वॉइड में यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो आर वन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल है एक तरह से देखा जाए इस ब्लॉक के लिए। तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आर वन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या देखा हमने, हमने क्रिएट तो पहले आर वन किया, क्रिएट पहले क्या हुआ आर वन, फिर आर टू क्रिएट हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले R2 डिस्ट्रॉय हुआ, फिर R1 डिस्ट्रॉय हुआ, तो पहले R2 डिस्ट्रॉय होगा, फिर R1 डिस्ट्रॉय होगा। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, जिस ऑर्डर में वो कंस्ट्रक्ट होते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय। तो पहले R1 क्रिएट हुआ, फिर R2 क्रिएट हुआ, लेकिन पहले डिस्ट्रॉय कौन सा हुआ, R2, फिर R1। अब हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें दोनों का यूज़ हुआ है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। तो एग्ज़ाम में अगर सपोज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आता है, तो आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का यूज़ करके बता रही हूँ। तो हमने यहाँ पर वही हमारी फेवरेट क्लास रेक्टेंगल ली,
जिसमें वेरिएबल्स हैं लेंथ और ब्रेथ, जिनको हमने बनाया है प्राइवेट, और पब्लिक में हमने क्या बनाया है, रेक्टेंगल। हमेशा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर आप कहाँ बनाओगे, पब्लिक सेक्शन में। तो रेक्टेंगल हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, इसमें ये स्क्रीन पे सिर्फ एक आउटपुट प्रिंट करवा दिया हमें, सी आउट मतलब स्क्रीन पे हम प्रिंट करवा देंगे कंस्ट्रक्टर कॉल। और इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करना है, रेक्टेंगल की लेंथ में 1 स्टोर करना है, ब्रेथ में 1 स्टोर करना है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हमने एक शो फंक्शन बनाया जिसको लेंथ और ब्रेथ को स्क्रीन पर प्रिंट करना है, तो हमने लेंथ को प्रिंट कर दिया, स्लैशन मतलब लाइन चेंज करने के लिए, तो ये डबल कोट्स में आएगा। तो लेंथ को प्रिंट करवा दिया और ब्रेथ को स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम किसका है, शो का। फिर ये क्या है, डिस्ट्रक्टर। क्यों डिस्ट्रक्टर है, देखो इसका नाम तो सेम है क्लास नेम की तरह, रेक्टेंगल ही है जैसे कंस्ट्रक्टर का था, लेकिन इसके आगे क्या लगी हुई है, एक टिल्ड साइन। तो जिसके भी आगे टिल्ड साइन लगी होगी तो वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टर। अब इसमें हमने क्या लिखा है, कर्ली ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, इसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया कि डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर हो गया, ये हमारी क्लोज का क्लास का एंड हो गया, ये क्लास ख़त्म। अब हमने वॉइड मेन बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया आर, जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा आर, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आर को 4 बाइट्स की मेमोरी देगा, उसकी लेंथ में स्टोर करेगा 1 और ब्रेथ में स्टोर करेगा 1, और क्या लिखाएगा स्क्रीन पे, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हमने रेक्टेंगल आर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, स्क्रीन पे लिखा आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, लेंथ और ब्रेथ में इसके क्या स्टोर हो जाएगा, 1। फिर हमने लिखा आर डॉट शो, तो शो फंक्शन कॉल हो जाएगा, लेंथ प्रिंट हो जाएगी 1, लाइन चेंज हो जाएगी और ब्रेथ भी प्रिंट हो जाएगा 1। फिर हमने क्या लिखा है, फिर ये प्रोग्राम हो गया क्लोज, जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट आएगा तो क्या कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर। तो जैसे ही ये प्रोग्राम क्लोज हुआ होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, और क्या लिखा हुआ आया होगा स्क्रीन पे, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो इस टाइप से जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, डिस्ट्रक्टर उन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी उसकी मेमोरी को वापस ले लेता है।